तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंसेस, कॉनकेव लेंसेस के द्वारा। तो स्टार्ट करता हूं मैं कॉनकेव लेंसेस के द्वारा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम सबसे पहले एक कॉनकेव लेंस लेंगे। ये रहा कॉनकेव लेंस, दिस वन द कॉनकेव लेंस एंड दिस वन द ऑप्टिकल सेंटर। बच्चों दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर से जो ये जो लाइन हम लोग खींचेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका F2 एंड 2F2। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग कहाँ रखते हैं। ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। तो हमारा ये रहा, यहाँ पे इमेज रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखेंगे और कैसा कैसा इमेज ये बनेगा। मगर ध्यान देने वाली बात है कि हम ऑब्जेक्ट को इसमें कहीं भी रखें, आपको ये सिमिलर मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर जैसा, ये कॉन्वेक्स मिरर जैसा दिखेगा। चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर रखते हैं हम लोग, इन्फिनिटी पर रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हमने इन्फिनिटी पे कर दिया है। अब इन्फिनिटी से हम क्या करते हैं, रे ऑफ लाइट को, एक रे ऑफ लाइट को क्या करेंगे, पैरेलल लेकर चलता हूं मैं, पैरेलल रे ऑफ लाइट। तो पैरेलल लेकर गया हम लोग, फिर ऑप्टिकल सेंटर के सामने, ऑप्टिकल सेंटर ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर के सामने से, ऑप्टिकल सेंटर के सामने से क्या करना है, इसको क्या करना है, ऐसे करना है, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से सामने से ऐसे से करना है, क्योंकि ये पार करेगा तो ये रे ऑफ लाइट किधर जाएगा, ये बाहर की ओर जाएगा, रे ऑफ लाइट डाइवर्जिंग लेंस, इट इज डाइवर्जिंग लेंस। ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है। इसी तरह से मैं एक रे ऑफ लाइट को और इस्तेमाल कर लूंगा, रे ऑफ लाइट को और इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो रे ऑफ लाइट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होगा, रे ऑफ लाइट बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर के सामने जाके ये क्या होगा, कहां से निकलता हुआ दिखाई देगा आपको, यहां से निकलता हुआ दिखेगा और ये रे ऑफ लाइट आपका डाइवर्ज करेगा। तो आप देखेंगे क्या रे ऑफ लाइट डाइवर्ज करके बाहर निकल गया, तो ये आगे इमेज बनने का संभावना नहीं है। इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा इस केस में, सो द इमेज इज प्रोड्यूस्ड एट, कहाँ पे इमेज प्रोड्यूस हुआ है, फोकस पे प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे ऑन द सेम ऑब्जेक्ट भी इधर है और ये भी रहा। एक सेकेंड होल्ड करना,
See, the position of the object is infinity and the image is produced at कहाँ पे produce हुआ भाई? At F1 कहाँ पे produce हुआ है आपका? F1 के पास produce हुआ है. तो ये position of the object infinity, position of the image F1, nature of the image कैसा है? Virtual intersection. So it is virtual erect या बोलेंगे बिल्कुल पॉइंट साइज है. तो वर्चुअल उसके बाद पॉइंट साइज वर्चुअल बट इट इज पॉइंट साइज. आप देख रहे हैं क्या? एक नोटिस करने वाली बात है कि मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था मिरर के केस में, जो सेम ऑब्जेक्ट के साइड ही अगर इमेज बन रहा था तो वो रियल था. मगर लेंस में क्या है, अगर ऑब्जेक्ट के साइड में ही अगर इमेज बने तो वो आपका रियल देखने को लग रहा है. सो क्या लग रहा है आपका? रियल इमेजेस. मिरर में रियल इमेजेस किधर बन रहा था? ऑब्जेक्ट के साइड में. मगर इसमें भी ऑब्जेक्ट के साइड में इमेज बन रहा है, मगर वो इमेज कैसा है? वर्चुअल है. अगर ऑब्जेक्ट के सेम साइड अगर इमेज बन रहा है मिरर के केस में तो वो रियल है, मगर लेंस में अगर ऑब्जेक्ट के साइड में इमेज बन रहा है तो वो वर्चुअल है. ये नोटिस करने वाली बात है, इसको नोट करेंगे आप लोग, ध्यान से रखेंगे. अभी मैं चेंज करता हूँ, अभी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ ऑब्जेक्ट के पोजीशन को. तो आप यहाँ पे रखो कहीं भी रखो एक ही तरीके का बनेगा. इसमें जो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा बिल्कुल एक जैसा होगा, इसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं. आप कहीं भी रखिए वैसे ही बनेगा. इसलिए इसमें दो पॉइंट्स, इसलिए हम लोग दो पॉइंट्स पढ़ते हैं इसमें, एक इन्फिनिटी पे, दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पढ़ते हैं. तो दूसरा केस ये रहा हमारे पास. दूसरा केस, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट का जो है हमने यहां पर रख दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया. ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर. तो रे ऑफ लाइट को मैं खींचता हूं, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर. अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देता हूँ ऑप्टिकल सेंटर. ये रहा आपका ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर है. इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है. तो चलिए बनाते हैं हम लोग इन्फिनिटी. और कहां पर मिला आपको इन्फिनिटी? इन्फिनिटी तो ये रहा आपका फोकस. तो चलिए बनाते हैं. तो सबसे पहला रे ऑफ लाइट को मैं पैरेलल कर देता हूं. तो रे ऑफ लाइट को पैरेलल ऑप्टिकल सेंटर के सामने से करना है. जब भी करना है ऑप्टिकल सेंटर के सामने से, डाइवर्जन या कन्वर्जन जैसे भी करना है ऑप्टिकल सेंटर के सामने से करना है. और रे ऑफ लाइट आपका कहां जाके मिलेगा? फोकस से होके निकलेगा, फोकस से. फिर आप दूसरा और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे केसेस में और भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग? ये रे ऑफ लाइट को मैं कर देता हूं, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ. तो इमेज कहां पे बनेगा? ये रहा इमेज, यहां पे फॉर्मेशन हुआ. ये रहा आपका ऑब्जेक्ट ए बी और ये इमेज ए डैश बी डैश. तो इमेज पोजीशन बिटवीन F1 एंड
एफ वन एंड ओ, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर दैन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या है छोटा है,